यरोमन अन्यंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि केपॉप आइडल बनने के लिए स्लिम, गुड लुकिंग और फेयर होना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो किसी भी पर्सन का केपॉप इंडस्ट्री में टिक पाना काफी मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर कोई लड़की इस तरह के सारे बैरियर तोड़कर ना सिर्फ केपॉप आइडल बने बल्कि कोरिया की टॉप हॉलीवुड स्टार बन जाए। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में बताने जा रही हूँ कि कैसे उन्होंने केपॉप इंडस्ट्री के सारे रूल्स तोड़कर एक अलग पहचान बनाई। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपको मोटिवेट और इमोशनल दोनों ही कर देगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए जिससे ऐसी ही लेटेस्ट मजेदार न्यूज आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप एक केपॉप लवर हैं तो आप ह्वासा को तो जानते ही होंगे। इस ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड सिंगर को हम सभी उनके स्टेज नेम ह्वासा से ही जानते हैं, लेकिन उनका रियल नेम आईएस जिन है। 27 इयर्स की ह्वासा का जन्म साउथ कोरिया के छोटी सी सिटी जोंजू में हुआ, जहाँ वे अपने पेरेंट्स और दो बड़ी सिस्टर्स के साथ रहती थी। ह्वासा का कलर बाकी कोरियंस के कलर से काफी डल था, साथ ही वो बचपन से ही काफी हेल्दी थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लेकिन उन्हें सिंगिंग और डांसिंग का काफी शौक था, इसलिए वो घर पर ही सिंगिंग और डांसिंग की प्रैक्टिस करती रही। हालांकि वो किसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहती थी जहाँ वे ट्रेनिंग ले सके, लेकिन उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो ह्वासा को ट्रेनिंग करा सके, इसलिए वो टीवी देखकर ही अपनी डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस करती रही। ह्वासा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि जब सभी उनके कलर और बॉडी फैट को लेकर उनका मजाक बनाते थे, उस टाइम जब वो घर पर होती तो उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट करते हुए कहते थे कि उनकी बेटी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल और सिंगर है, जिसकी वजह से वो काफी मोटिवेट फील करती थी। ह्वासा ने आगे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद जब वो फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन में इंटरव्यू देने गई तो उन्हें वहाँ ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम सिंगर तो अच्छी हो लेकिन तुम केपॉप ग्रुप के लिए काफी फैटी और ब्लैक हो। लेकिन इसी इंटरव्यू के एक जज ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा कि तुम्हें देखने से हॉलीवुड सिंगर बियॉन्से की याद आती है, जिसके बाद ह्वासा ने घर जाकर सारी रात बियॉन्से की ही परफॉर्मेंस देखी और डिसाइड किया कि उन्हें बियॉन्से की ही तरह कॉन्फिडेंट सिंगर बनना है, जिसके बाद लगातार प्रैक्टिस के बाद 2014 में मामामू ग्रुप में उन्हें डेब्यू किया गया, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि इस बीच उन्हें लगातार क्रिटिसाइज किया जाता रहा, जहां काफी लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल किया कि इतनी फैटी गर्ल को इतने स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनने चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने तो उन्हें ये तक कह दिया कि इससे बुरी आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी और इसमें केपॉप आइडल वाली बात नहीं है। लेकिन अपने इरादों की पक्की ह्वासा इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए अपने वर्क पर फोकस करती रही और उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 2019 में, जब उनका सॉन्ग डोंट गॉन डिजिटल चार्ट पर 2.5 मिलियन डाउनलोड्स के साथ नंबर वन पर पहुंच गया। वहीं मारिया सॉन्ग ने तो उन्हें इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों यहां आपको बता दें कि इंडिया में भी मारिया दुनिया की सबसे बड़ी सिंगर्स में से एक हैं, जो हॉलीवुड सिंगर द्वारा उनकी बोल्ड स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ह्वासा का कौन सा सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सारंगयो।